कचौली जो गोलगप्पे का जो पानी होता है, तो ये लाल मिर्च मैंने डाल दी, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाली है, और टाटरी जो होती है वो डाल रही हूँ, उसी से हम खट्टा करेंगे इसको, तकरीबन 1 से 2 समझ लें, ये 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। और अगर मुझे बाद में चेक करूँगी अगर कम लगेगा तो मैं फिर इसके अंदर ये और भी डालूँगी, और साथ साथ अदरक पाउडर जो होता है सौंठ वो डाल रही हूँ, वो भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। और अब जो है वो उसके अंदर डालूँगी ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर जो है वो भी 1/2 टेबल स्पून के करीब ही जाएगा। और उसके बाद जो है वो काला नमक डालूँगी, काला नमक भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब ही डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करके, और फिर जब ज़्यादा चाहिए या मिर्च जो भी है तो वो फिर हम उसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक करूँगी, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर अब काले नमक की जगह थोड़ा सा जो नॉर्मल नमक होता है वाइट वाला वो ही यूज़ करूँगी, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था यहाँ पर। तो अब हम इसको दोबारा चेक करेंगे, नमक डाल के अब मैं दोबारा इसको चेक करूंगी, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारे ये पानी रेडी हो गया, इसको हम साइड पे कर देंगे। अच्छा, अब ये मीठी चटनी है, मीठी चटनी में मैंने इमली के अंदर पानी डाला, उसको थोड़े भिगो दिया, उसके बाद उसको अंदर मैंने गुड़ डाला है, गुड़ डालने के बाद उसको साथ में पकाया दोनों को, और वो उसको फिर इसके बाद इस तरह पेस्ट बना के, और मैंने अंदर से जस्ट उसके जो बीज होते हैं वो निकाल लिए, और उसमें जो लंबे धागे से होते हैं वो निकाल लिए हैं, बाकी ये ऐसे ही रखा है। अब इसके अंदर मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी, तकरीबन सेम मसाले जाएंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। और लाल मिर्च डाली है मैंने, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही, बहुत थोड़ा डलेगा, और बिल्कुल थोड़ा सा ही काला नमक डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा काला नमक डाल लिया, और बिल्कुल हल्की सी जो है वो जो सौंठ पाउडर जो होता है वो डाल दूँगी। तो ये तैयार हो गया हमारा, बस क्योंकि वो मैंने पहले से उसको पका कर रख दिया था, अब जस्ट मुझे इसको मिक्स करना है, है, और खट्टा पानी भी रेडी हो गया है, अब हम दही तैयार करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दही जो है वो ले लिया है, दही निकाल रही हूँ मैं, दही निकाल के इतना मैंने दही ले लिया है, थोड़ा सा और लूँगी मैं, शुगर जो है वो पाउडर करके रखी हुई है तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, वो आप अपने हिसाब से जितनी मीठा चाहते हैं उतना रख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये ले रही हूँ। इसको मिक्स करके मैं चेक करूँगी, दही का मसाला नहीं, अगर एंड टाइम पर लाइक ख़त्म हो गया तो आप उसको जस्ट आपने चीनी कर डाल के मिक्स करना और कुछ नहीं करना। उसको चेक कर रही हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट है मीठा, अब उसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो मैं दही भी तैयार हो गई और चटनी भी तैयार है, और चने बॉईल करके रखे पानी,
डाली है, मीठी चटनी और दही डाला है, और बट जस्ट आप अब इसको इंजॉय करें खट्टे पानी के साथ इस तरीके से। बहुत ही मज़े के हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।